हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की मिसलिनियस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या लिया है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, यानी कि एक सर्कल है उसका पेरीमीटर और एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है आपको, के दे रखा है। वेयर के इज सम कॉन्स्टेंट, के जो है कोई कॉन्स्टेंट है। अब आपको क्या कहा है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, हमें करना है कि इनके जो एरियाज का सम है इज लीस्ट, यानी कम से कम होगा, कब होगा, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज द रेडियस इज द डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि इनके जो एरियाज का सम है वो लीस्ट होगा कब, जब स्क्वायर की साइड जो है डबल हो जाएगी इसकी रेडियस की, जब स्क्वायर की साइड डबल हो जाएगी सर्कल के रेडियस की, जब इनका दोनों के एरियाज का सम क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, देखो हमने इसमें एक सर्कल है जो सर्कल की रेडियस क्या मान ली हमने, आर मान ली, और एक जो साइड है स्क्वायर की उसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ये वेरिएबल है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं हम। तो रेडियस को मैंने आर लिख लिया और साइड ऑफ स्क्वायर को हमने एक्स कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम, पेरीमीटर देखो सर्कल का पेरीमीटर बोलो चाहे सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोलो, एक ही बात होती है। तो ये कितना होता है सर्कल का, 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 × साइड, और साइड हमने कितनी मानी, एक्स, तो 4x = k हो गया। तो इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है, दोनों के पेरीमीटर का सम के दे रखा है। तो हमने इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इन्होंने क्या कहा है, दोनों के एरिया का सम लीस्ट होना चाहिए, तो हमने दोनों के एरिया का सम कर लिया। तो क्या आ जाएगा, a = देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का जो होता है एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी मानी हमने, x माने, तो x का स्क्वायर हो गया। अब a = πr² प्लस में, यहां से हमने देखो यहां पर हमारे दो वेरिएबल है r और x है, तो हम क्या करेंगे, इन दो वेरिएबल में से दोनों को एक को कन्वर्ट कर देंगे दूसरे में, ठीक है, एक को कन्वर्ट कर देंगे दूसरे में, ताकि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, देखो x की वैल्यू निकाल ली, जो हमें गिवन होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो क्या आ जाएगा, देखो 4x = k माइनस में 2πr, जब ये प्लस का 2πr ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो k माइनस में 2πr अपॉन में, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। तो हमने यहाँ x की वैल्यू रख दी, k माइनस में 2πr अपॉन में 4, और इसमें क्या है, इसका होल स्क्वायर है, तो हमने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे a = πr², अब मैंने इसका स्क्वायर खोल लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab से, तो k का स्क्वायर, और ये 4πr² माइनस में 2×2=4πr k, तो ये हमने स्क्वायर खोल लिया। अब मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया, 16πr² प्लस में, ये एज इट इज उतार लिया यहाँ पे, अपॉन में 16 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो इन दोनों को अलग से लिख लिया, तो 16π प्लस में 4π² और ये आर स्क्वायर लिख दिया, माइनस में ये क्या हमारा 4πr k, इसको पहले लिख दिया, और ये जो कांस्टेंट k है इसको मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पर, अपॉन में 16 हो गया। इसके बाद देखो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r ही वेरिएबल बचा है, k तो हमारा कांस्टेंट है, इन्होंने दे रखा है। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ वेरिएबल r है, तो da/dr कर दिया, तो यहाँ पर 1/16 तो हमने अलग रख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, 16π प्लस में 4π² तो एज इट इज, अब ये r का स्क्वायर है, तो ये इसका करेंगे तो क्या आ गया, 2r आ गया। यहाँ पे करेंगे तो देखो 4πk, r का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4πk हो गया हमारा, और इसका करेंगे तो ये क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या करा, अब यहाँ पे जब हम लीस्ट और ये एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए आर की, तो हमने डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, तो 1/16 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दी, 1/16 की यहाँ पर कर दी, और इक्वल टू में मैंने क्या कर दिया, 0। चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पर ये भी कर सकते हो, 1/16 जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में है, जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 16π + 4π² 2r = में ये माइनस का है, ये इधर जाके 16, तो दोनों का एलसीएम यहाँ के 0 आ गया।
अब ये इक्वल टू में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई k आ गया। अब देखो यहां से हमने पाई कॉमन ले लिया, यहां से पाई कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच गया 16, यहाँ पे 4 पाई, ठीक है, क्योंकि पाई कॉमन ले लिया, आप चाहे लिख दो यहाँ पे पाई और यहाँ पर भी 4 पाई k है, तो इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4k अपॉन में देखो यहाँ पे ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये वाला भी इधर डिवाइड में आ गया और ये वाला जो है हमारा यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, पाई प्लस में 4 आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, के अपॉन में 2 पाई प्लस में 4, तो ये हमारी आर की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर हम ये आर की वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव आता है क्या नेगेटिव आता है। तो देखो यहाँ पर एक बार बता देती हूँ आपको, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसी का ही आगे करेंगे तो ये तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो हमारा जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो आ गया। यहाँ पे 1/16 और ये 16 पाई प्लस में 4 पाई का स्क्वायर इनटू में 2, आर का क्या हो जाएगा 1, तो ये बच जाएगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा। तो ये देखो हमारा मैंने बताया था अभी 1/16, 16 पाई प्लस में 4 पाई स्क्वायर इंटू में 2, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे आर की वैल्यू ही नहीं है, आर ही नहीं है तो हम रख भी नहीं सकते, तो ये हमारा वैसे भी पॉजिटिव आ रहा है, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया हमारा, लीस्ट हो गया हमारा एरिया, एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स इज आर इज इक्वल टू के अपॉन में 2 पाई प्लस 4, पे हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एक्स क्या था हमारा, के माइनस में 2 पाई आर अपॉन में 4, ये एक्स था हमारा जो हमें गिवन था पैरामीटर, उससे निकाला था हमने एक्स की वैल्यू। अब यहां पर हम आर की वैल्यू रखेंगे जो अभी हमने निकाली है, तो k माइनस में 2 पाई आर की वैल्यू क्या निकाली, k अपॉन में 2 पाई प्लस में 4, ये हमने रख दी। अब इस 2 से ये तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे बच गया k माइनस में पाई k अपॉन में पाई प्लस में 4, ये बच गया हमारे पास। अब हमने एलसीएम ले लिया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर ली, देखो एलसीएम लेंगे तो के पाई प्लस 4 आएगा माइनस में पाई के, और ये पाई प्लस 4 हमारा नीचे आ जाएगा, आप सबको आता है एलसीएम लेना, तो हमने ये मल्टीप्लाई भी कर दी तो के पाई प्लस में 4k माइनस में के पाई अपॉन में 4 ये एज इट इज, और पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, तो माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया हमारा, क्या बच गया 4k अपॉन में 4 पाई प्लस में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, k अपॉन में पाई प्लस में 4, और r हमारा कितना निकाला हुआ है हमने, k अपॉन में 2 पाई प्लस 4 निकाला हुआ है। अब मैंने ये जो डिवाइड में 2 था ये इधर ले गए हम, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो 2r की वैल्यू क्या होगी, k अपॉन में पाई प्लस में 4 आ गया। अब x की वैल्यू भी यही है हमारी और 2r की वैल्यू भी यही है, अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2r, जो हमें प्रूफ करनी थी कि एरियाज का सम हमारा लीस्ट कब होगा, जब साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। ओके, ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। अब हम 11th क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है देखो, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, एक विंडो है जो कि किसकी शेप में है, देखो एक रेक्टेंगल की शेप में है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है हमारा, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज, तो विंडो का जो टोटल पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब यहां से ये इसकी जो बाउंड्री है, इन सबका इस पूरे बाउंड्री का सम, ये कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, तो हमें जो इस विंडो है इसकी डायमेंशंस निकालनी है, मींस इसकी जो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हमें निकालनी है टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, की हम कितनी रखें, इसकी जो लेंथ है ब्रेथ है हम कितनी रखें, अगर हमारे पास पेरीमीटर इतना है 10 मीटर, की जो इसके अंदर आने वाली लाइट है, यानी कि जो इसका एरिया हम कितना रखें कि जो इसके अंदर आने वाली लाइट है वो क्या हो जाए हमारा, मैक्सिमम हो जाए, एरिया क्या हो जाए इसका, मैक्सिमम लाइट जो है मैक्सिमम आ जाए यहाँ से।
तो हमने देखो पेरीमीटर ऑफ विंडो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमने 8th क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन। जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में पेरीमीटर निकालते हैं, तो मैंने एक देखो नीचे से तो हमारा रेक्टेंगल है, ऊपर से क्या है ये सेमी सर्कल है, तो मैंने क्या किया यहाँ से इस रेक्टेंगल की साइड वाई मान ली। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पर वाई मानी है, इसको भी वाई मान लिया क्योंकि इसके रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाई है, तो ये भी क्या हो गई मेरी वाई। अच्छा ये इसका सेंटर है क्योंकि ये सेमी सर्कल है हमारा ऊपर, तो सेमी सर्कल का अगर मैं इसको सेंटर मानती हूँ तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, और इधर भी जाएगी तो वो भी रेडियस, तो अगर मैंने इसकी रेडियस एक्स मान ली तो ये कंप्लीट हमारी कितनी हो जाएगी, ए से बी तक की लेंथ हमारी हो जाएगी 2x। तो जो अगर ये 2x है तो इधर भी क्या हो गई मेरी 2x, क्योंकि रेक्टेंगल है ये हमारा, तो जो ऊपर हो गई वो नीचे आ गई, जो ये वाली साइड है उसी के सामने वाली साइड ये 2x आ गई। समझ में आ गया? तो पेरीमीटर क्या क्या हो गया हमारा, देखो एक तो ये सेमी सर्कल, ठीक है, एक तो ये क्या है मेरा सेमी सर्कल, और ये क्या है मेरे रेक्टेंगल्स की साइड। देखो पेरीमीटर में हमारा अंदर वाला काउंट नहीं होगा, आप कहो कि मैम ये अंदर वाला भी तो चाहिए हमें, ये एक्स है और ये एक्स है तो ये 2x, ये भी अंदर वाला नहीं चाहिए होगा। क्यों नहीं चाहिए होगा? क्योंकि हमें जो है लाइट को लाने के लिए जब हम एरिया निकालेंगे तो ये विंडो का सिर्फ बाहर बाहर वाला पेरीमीटर निकालेंगे, अंदर नहीं जाना है हमें, अगर हम अंदर जाएंगे तो ये एरिया हो जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है हमारा, सिर्फ बाउंड्री होती है, तो यहाँ पे हमारी इसकी बाउंड्री देखो, ये तो हमारा सेमी सर्कल, तो इस सेमी सर्कल का हमारा पेरीमीटर कितना होगा पाई आर, क्योंकि सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है और सेमी का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर। उसके बाद देखो ये वाई हमने माना हुआ है, ये कितना है हमारा 2x और ये क्या है हमारा वाई, तो क्या है हमारा, और वो किसके इक्वल दे रखा है पेरीमीटर ऑफ विंडो, हमें दे रखा है 10, तो 10 किसके इक्वल हो गया, तो सेमी सर्कुलर आर्क जो ये ए बी है ये हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा ए बी ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी, ए डी ये ए डी है बच्चों, ए डी डी सी और बी सी इन तीनों को ऐड करके ये हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ ए डी बी सी एंड डी सी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल का कितना होता है हमारा पाई आर, तो आर कितनी है हमारी इसकी एक्स है, तो पाई एक्स हो गई, ये हमारी क्या है देखो 2x है, ये y है और ये भी हमारी y है, तो 2x प्लस y प्लस y, तो यानी कि 2x प्लस 2y हो गया। अब हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो मैंने एक y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर हमें पुट करना होगा, तो यहाँ पे 10 माइनस में पाई एक्स माइनस में 2x यहाँ पे इधर गए, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ गया 2, तो 10 माइनस में पाई एक्स माइनस में 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली। अब हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा इस पूरे विंडो का, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यही तो होगा हमारा इस विंडो का एरिया, कि एक तो ये सेमी सर्कल का एरिया इतना पार्ट ऊपर ऊपर का, और नीचे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसका एरिया हो गया एरिया ऑफ विंडो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो मैंने इसको जेड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा देखो, तो z इज इक्वल टू हमारा आ गया देखो, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, और रेडियस कितनी है हमारी x, तो पाई x स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x लेंथ कितनी है हमारी देखो 2x है ना इसकी, लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है हमारी y, तो ये 2x इंटू में y, तो 2xy हो गया हमारा। अब हमने y की वैल्यू यहां से निकाली हुई है, तो y कितना है मेरा 10 माइनस में पाई एक्स माइनस में 2x अपॉन में 2, तो यानी कि x अगर हमने यहाँ पे 2 इंटू एक्स तो एज इट इज छोड़ दिया, और y की जगह हमने क्या रख दिया 10 माइनस में x कॉमन ले लिया, देखो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बच गया पाई प्लस में 2, मीन्स ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ पुट करनी है, सिर्फ अपॉन में 2 है तो इस वाले 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम z का, क्योंकि मैंने इसका पूरे एरिया का जो विंडो का जो एरिया उसको z माना हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने करा, तो dz अपॉन में dx कितना हो जाएगा देखो पाई बाई 2, तो एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरा 2x,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया प्लस में, ये देखो ये तो x है और ये पूरा है, तो इसको u इंटू वी मेथड से डिफरेंशिएशन किया है u इंटू वी से, तो x का क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव करा मैंने, x का क्या होता है हमारा 1 होता है, ये वाला फंक्शन एज इट इज उतार दिया, यानी टेन माइनस में x पाई बाई टू एज इट इज उतार दिया, प्लस में x को एज इट इज उतार दिया। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन का तो 0 हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस का पाई बाई टू ये कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सबको आता है यू इंटू वी मेथड से कर लेना। अब देखो हमने मल्टीप्लाई करी, ये तो पाई एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये टेन एज इट इज है हमारा, उसके बाद यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस का पाई एक्स, इसमें करी माइनस का 2x, इसके अंदर करी माइनस का पाई एक्स, और इधर करी तो माइनस का 2x, ये हो गया। अब ये देखो माइनस के पाई एक्स से प्लस का पाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे टेन, यहाँ पे माइनस का पाई एक्स, और ये माइनस का 2x, माइनस का 2x क्या आ गया, माइनस का 4x आ गया। अब ये टेन माइनस में यहाँ पर से एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा पाई प्लस में 4 इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दिया, इज इक्वल टू में 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टेन अपॉन में पाई प्लस में 4, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। हम देखेंगे कि यह मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो देखो इसका करेंगे, ये हमारा डी जेड अपॉन डी एक्स है ना, तो यहाँ पे टेन का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, पाई एक्स, तो एक्स का 1 होता है माइनस का पाई, 4x, एक्स का 1 होता है माइनस का 4, तो माइनस कॉमन ले लिया, यानी कि पाई प्लस 4, पाई ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और 4 जो हमारा कांस्टेंट है, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ गई मेरी, नेगेटिव आ गई, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो यानी कि जो एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यही कहा था ना मैक्सिमम एरिया। अच्छा अब हमने y की वैल्यू इसके अंदर, हमने y की वैल्यू निकालने के लिए x में, इसमें y में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या था हमारा, टेन माइनस में पाई बाई टू अपॉन में, ये था ना हमारा, ये रहा टेन माइनस में पाई प्लस टू इंटू में x अपॉन में टू, तो यहाँ पे रख दी पाई प्लस टू इंटू में x की वैल्यू, टेन अपॉन में पाई प्लस में 4 रख दी, ठीक है, अपॉन में 2। अब ने यहाँ पर एलसीएम ले लिया बच्चों, एलसीएम लेना सबको आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन पाई प्लस में 4 आ जाएगा, टेन पाई प्लस में 4 माइनस में टेन पाई प्लस में 2 आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू पाई प्लस 4 आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारा, एलसीएम लेना आता ही है। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसके अंदर करेंगे तो 10 पाई, इसमें करेंगे तो 40 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस का 10 पाई, और इसमें करेंगे तो माइनस का 20, ये रहा हमारा। अब यहाँ पे देखो माइनस 10 पाई से ये वाला प्लस का 10 पाई कैंसिल आउट हो गया, 40 माइनस 20 कितना आ गया, 20 अपॉन में 2 पाई प्लस 4, 2 से ये मैंने काट दिया, 10 अपॉन में पाई प्लस में 4। देखो हमारी जो एक्स थी यानी कि रेडियस निकली थी आपकी सेमी सर्कल की, वो भी हमारी 10 अपॉन में पाई प्लस 4 है, और जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो भी हमारी कितनी निकल गई, 10 अपॉन में पाई प्लस 4, तो ये हमारा आंसर आ चुका।